हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक माय चैनल गाइस। 2-3 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, बिकॉज़ मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे ना सब्सक्राइबर जो आ भी रहे थे ना, तो वो भी अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे थे। तो मैंने कहा क्या करूं, फिर मेरा मन ही नहीं हुआ था, तो मूड ऑफ हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो आज से फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, आज है संडे, और आज ही मेरा वीडियो मैं अपलोड भी कर दूंगी अभी एडिटिंग करके। तो अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया है, कपड़े मशीन पे डाल दिए हैं, और ब्रेकफास्ट बन गया है, वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड की है। चलिए, तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो फिर चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने बना लिया है, अभी करना है, तो मैं ब्रेकफास्ट की क्लिप आपको दिखाती हूँ, आप इंजॉय कीजिए। चलिए गाइस, गार्डन की सैर करते हैं। ये देखिए मेरा करी पत्ता है, मैंने गमले में लगा रखा है, कितना अच्छा हो रहा है ना। और ये फूल का पेड़ है, ये तुलसी है, ये है पारिजात, और ये है करेला। इसमें करेले लगे हुए हैं ना, तो मैं वही तोड़ दी थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हो गए थे, फिर वो पक जाते हैं ना, इसलिए मैंने कहा तोड़ देती हूँ आज। ये देखिए, ये इतने करेले निकल गए हैं, थोड़ा थोड़ा और हैं छोटे छोटे, तो इनकी सब्जी बनाएंगे, ये कड़वे नहीं होते ज़्यादा गार्डन वाले। तो यहाँ पर बना रही हूँ पोहा। पोहा बनाने के लिए मैंने ये पोहे पोहे को थोड़ा धो धो लिया है, और ये लिया है हरी मिर्ची, धनिया, सेंगदाना, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा शक्कर और नींबू और ये राई, और तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जैसे ही मेरा तेल गरम होएगा मैं इसमें डाल दूँगी राई। गाइस, मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, जैसे कि आपको मालूम है घर में लहसुन प्याज मम्मी नहीं खाती, तो इसलिए हम बना लेते हैं, क्योंकि दो दो बनाने को कंटाल आता है कि दो क्या बनाएं, चलो एक ही बना लेते हैं। तो एक ही बना रही हूँ, कभी कभी हमको खाने का मन करता है, तो मम्मी के लिए जैसे राजमा वगैरह में अच्छा लगता है ना, तो प्याज तो वो हम मम्मी के लिए निकाल लेते हैं, और उसके बाद अपने लिए फिर लहसुन प्याज डाल के बना लेते हैं छोले वगैरह जो भी है। कभी दाल भी मम्मी के लिए निकाल लेते हैं, उसके बाद लहसुन का तड़का लगा लेते हैं, तो वही मैं यहाँ पर बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। आलू, सेंगदाना, कड़ी पत्ता सब ऐड करने के बाद मिर्ची, तो फिर नहीं, थोड़ा सा काजू ऐड कर दिया इसमें, और हो चुका था मेरा, तो थोड़ा सा आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करूँगी इसमें, और उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी इसमें। और मसाले नहीं डाल रही गाइस, बस हल्दी, नमक, थोड़ा सा शक्कर ऐड करूँगी, चीनी, थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा लगता है ये, थोड़ा ही शक्कर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। शक्कर ऐड कर दिया मैंने, और शक्कर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सारे मसाले ऐड करने के बाद आधा नींबू जो मैंने आपको दिखाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब पोहा ऐड कर दूंगी जो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ये छन्नी में रख दिया था, ये देखिए। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी। इसको ऐड करने के बाद फिर सब मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अच्छा टेस्टी बनता है गाइस, ये नहीं है कि बिना प्याज के ये अच्छा नहीं बनता, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। आप लोग ऐसे ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा करके। तो 5 मिनट मैंने इसमें ढक्कन लगा के रख दिया था। अब मेरा पोहा बन के एकदम तैयार है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी और फिर उसके बाद लगा लूँगी प्लेट। ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है और खाने में भी बहुत टेस्टी बना था। तो आप लोग भी ऐसा बना के ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो गाइस मेरा पोहा बन के तैयार है, प्लेट भी लग चुकी है। आप भी खा लीजिए, कैसा लगा ज़रूर बताइए। चलिए अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।